भाई साहब, पता नहीं क्या हो गया, फोन मिल ही नहीं रहा। हद हो गई। नहीं मिल रहा मतलब क्या होता है? ठीक से लगाया ना फोन। हाँ कोशिश कर रहा हूँ। यार मेरी बच्ची इतने दर्द से गुजर रही, शौर्य का कुछ पता नहीं चल रहा, और मैं एक अपाहिज की तरह इस कुर्सी से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। लालत है मेरे ऊपर। भाई साहब हौसला रखो, तसल्ली रखो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी देर में शौर्य मिल जाएगा, वो हमारी महक को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता। तसल्ली रखो। वो फोन उठा। फोन उठा शौर्य, मेरा फोन तो उठा प्लीज। कुछ नहीं होगा, सब मिल जाएगा शौर्य, आप घबराइए मत। आप बताना, पानी लाओ दीदी के लिए। दीदी प्लीज। प्लीज शौर्य फोन उठा मेरा। दीदी पानी लीजिए। दीदी आप प्लीज अपने आंसू पोंछिए। आपको पता है ना कि शौर्य के लिए उसका काम कितना इम्पोर्टेंट है। आई एम श्योर कोई अर्जेंट काम के लिए गया होगा। डोंट वरी, पानी पीजिए। नहीं, मेरा शौर्य शादी छोड़कर नहीं जा सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। भगवान, ज्यादा परेशान ना हो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने पुलिस को फोन कर दिया, बस 10 मिनट में आने ही वाली है। अरे जीजा जी, आप तो हाइपर हो जाते हैं छोटी सी बात पे। आ जाएगा शौर्य, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने पुलिस को कॉल कर दिया? क्या अजीब सी बात करती हो तुम सजलना। शादी है, दूल्हा गायब है, पता नहीं मिल नहीं रहा किसी को। पुलिस आनी चाहिए, पता चले क्या हुआ, कोई ऊंच नीच हो गई, क्या पता किसी ने उसे काट के कहीं फेंक दिया हो। उल्टी सीधी बकवास मत करो संजय, कुछ नहीं हुआ है शौर्य को, वो बिल्कुल ठीक है, वो जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है। मेरा वो मतलब नहीं है दीदी, वो आखिर मेरा भी भांजा है, गायब हो गया है, मिल नहीं रहा, सब परेशान है, मुझे भी बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। सजलाना तुम ख्याल रखो दीदी का, मैं देख के आता हूँ। मैं भी चला, अभी आया दीदी। प्लीज प्लीज रिलैक्स करो, मैं जा रही हूँ। तुम लोग मुझे प्लीज जाने दो ना यार, मैं कह रही हूँ मैं ले आऊंगी। घटो तो यार ना, क्या पागल बने ये। प्लीज रुक जा, प्लीज मत जा, मेरे को जाने दो प्लीज प्लीज। मैं बोल रही हूँ मैं जाऊंगी तो मैं आ जाएगा, मैं लेके आऊंगी ना, मैं लेके आऊंगी ना प्लीज प्लीज। मैं कुछ मैं लेके आऊंगी। फोन अंदर डाल के बैठा है, किसी बिल में घुस गया चट्टी। भरोसे का आदमी है ना, कहीं ये ना हो कि कल हमें ही कॉल करके हमसे फिरौती मांगे। तुम मेरा दिमाग ना खराब करो भी। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं संजय जी। जी हाँ, परेशान होने की तो बात है। शादी है मेरे भांजे की और वो खुद गायब है, मिल नहीं रहा, तो परेशान नहीं होंगे? और अगर मिला नहीं इंस्पेक्टर साहब तो आप भी परेशान होंगे। इंस्पेक्टर साहब। खन्ना साहब नमस्कार। एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं बताता हूं आपको हुआ क्या था। जब दोनों फैमिलीज मिलकर खाना खा रही थी, पानी पी लो ना। अब शांत हो जाओ ना बड़ी दादी, ऐसे कलेजा चलाने से थोड़ी मिल जाएगा शौर्य। और पीढ़ी अब तो पुलिस भी आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरी लड्डू की शादी में पता नहीं बार बार इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं। आगे बेचारी बच्ची ने क्या कम इम्तिहान दिए। और अब जी सब ठीक हो, अगर शौर्य को कुछ हो गया तो हॉस्पिटल में भी चेक करें। अरे चुप करो, ऐसा सोचो भी मत, शौर्य को कुछ नहीं हो सकता। ये तो पक्का है कि वो रिजॉर्ट में नहीं है। आपके रिजॉर्ट के सारे रूम्स में मैंने देख लिए, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल एरिया और टेनिस कोर्ट में भी देख लिया। पता नहीं कहाँ चले गए। पागल हो क्या? शौर्या स्विमिंग पूल क्यों जाएगा? अरे क्या पता, शादी की खुशी में उसने कुछ ज्यादा पी ली हो और कूद गया स्विमिंग पूल में। होने को कुछ भी हो सकता है। विक्की, यहाँ मजाक हो रहा है क्या? जितनी अकल है उतनी बात किया करो। मम्मा रोको ना इसको। फिक्र मत करो भाभी, गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। आपकी बताई कहानी तो मैं समझ गया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। पहले मिस्टर शौर्या खन्ना ने आप दोनों को अरेस्ट करवाया था और मैंने ही ये शुभ काम किया था। फिर आपकी भतीजी की शादी मिस्टर शौर्या खन्ना से हो रही थी और शादी के पहले मिस्टर शौर्या खन्ना गायब हो जाते हैं। ओके, देखते हैं क्या निकल के आता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर सर प्लीज 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 मेरे शौर्य को ढूंढिए ना प्लीज। पता नहीं कहाँ चला गया। जहां भी गए होंगे मिल जाएंगे मैडम। अभी हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। वैसे एक बात बताइए, आप दोनों के बीच तो 36 का आंकड़ा था, अचानक मौसम कैसे बदल गया? इंस्पेक्टर साहब ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। इतना बड़ा इंडस्ट्रीज गायब हुआ है और कल तक नहीं मिला ना, तो दिल्ली के सारे अखबारों में यही खबर छपी होगी। और एक बात सुन लो, जब तक मिस्टर शौर्या खन्ना नहीं मिल जाते हमारा शक सब पर रहेगा। इन पर भी। इंस्पेक्टर, आपको जिस पे शक करना है कर लीजिए, जिससे जो पूछना है पूछ लीजिए। मुझे मेरा शौर्य वापस चाहिए। कॉन्स्टेबल, जहां शौर्य खन्ना ठहरे हुए थे उस रूम में चलिए। ढूंढो इधर उधर। तू बाहर जाके मेन रोड कवर कर और तू पीछे जाके मैदान में देख। जाओ फटाफट, क्विक। एक बात बताएंगे, ये शादी उनकी मर्जी से ही हो रही थी ना? कहीं किसी तरह की कोई प्रेशर तो नहीं था मिस्टर शौर्य खन्ना पे? इतना खर्चा जो आप देख रहे हैं, इसको देखकर आपको लगता है कि कोई प्रेशर होगा उस पर? एग्जैक्टली शादी उनकी मर्जी से नहीं बल्कि सबकी खुशी से हो रही थी। सजी गेट के बाहर सड़क पे मिला। चाची ये तो शौर्य का पापा। ये पापा कैसे? दीजिए मुझे दीजिए। इसके ऊपर से कोई कार गुजरी है, टायर के निशान है। इसका मतलब मिस्टर शौर्य खन्ना के साथ कार में जोर जबरदस्ती हुई है। उन्हें जबरन कार में डाल के किडनैप किया गया। ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? हम सब लोग यहाँ पे मौजूद थे, मंडप में शौर्य का इंतजार हो रहा था। उसे कोई कैसे उठा के ले जा सकता है? छह फुट का लंबा चौड़ा आदमी है वो। कांस्टेबल इसे रखो। हाँ, लेकिन अगर 6 फुट के आदमी को बेहोश कर दिया जाए तो 2 लोग उठा के लेके जा सकते हैं ना? हो सकता है ऐसा ही हुआ और आधी बेहोशी में मिस्टर शौर्य खन्ना ने अपोज किया और हाथापाई में ये पगड़ी कार से बाहर गिर गई हो। हवलदार, यहाँ जितने भी गेस्ट आए थे मुझे उन सबकी लिस्ट चाहिए और जितनी भी कारें यहाँ आई थी मुझे उन सबकी डिटेल्स चाहिए। 60 किलोमीटर की स्पीड से भी गए होंगे तो दिल्ली की बाउंड्री से बाहर नहीं निकले होंगे। क्विक, फटाफट। क्या हुआ? सुनो, मैं जाऊं? जाने की परमिशन ले रहे हो? तुम कहोगी तो ही जाऊं। जाओ, पर जल्दी आना। हाँ, मैं मंडप में तुम्हारा वेट करूंगी। बेटा क्या कर रही है तू? चाची मैंने शौर्य को बोला था वो आने वाला है। मैं बस उसका इंतजार कर रही हूँ। यही हमने मिलने का बोला था, वो आएगा ना तो मैं यही बैठी हूँ उसके लिए तब तक। अब चिंता मत करो, वो आ रहा है, आ रहे वो। समझाओ इसको आप लोग, मैं कह रही हूँ आने वाले पंडित जी को बुलाओ प्लीज, वो आने में होगा, वो आने में होगा। ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है, मैं अकेले आके बैठ गई हूँ। नहीं 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 सुनो, वो आएगा, वो ऐसे थोड़ी छोड़ के जा सकता है। बेटा अपने आप को सजा देने से शौर्य नहीं आएगा। क्यों जिद कर रही है, क्यों यहाँ बैठी है? चल माँ, ये मेरी सच नहीं है, ये मेरा विश्वास है। वो आएगा, मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसका यही इंतजार करूंगी, इसी मंडप में इसी शादी के जोड़े में बैठूंगी। वो आएगा, वो ऐसे थोड़ी छोड़ के जा सकता है। बच्चे बच्चे बात तो सुन, वादा किया था, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। बच्चे तो अंदर तो चले, तो बनने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मतलब इसकी सारी उम्र इसी मंडप पे कटेगी, क्योंकि तेरा शौर्य वहां जा रहा है जहां से सिर्फ राख वापस आती है। औलाद, तुझे बोला नहीं था काम होते मुझे फोन करियो। कहां लेगा शौर्य को? बॉस एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? बोल साहब साहब बोल। वो बॉस काम नहीं हो पाया। लोहा ठूसूंगा तेरे अंदर, मुझसे गेम खेल रहा है। पता कहां शौर्य? नहीं बॉस, सच में काम नहीं हुआ। नीयत बदल गई तेरी, मुझसे गेम खेलेगा? किससे? नहीं बॉस यकीन करो, जब हम शौर्य के रूम में गए तो शौर्य वहां नहीं था। आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। तभी अचानक आपके भाई की आवाज सुनाई दी तो हम वहां से निकल लिए, और फोन की बैटरी डेड हो गई थी इसलिए आपको कॉल नहीं कर पाए। उसके बाद पुलिस को आते देखा तो हम वहां से निकल लिए। संजय, व्हाट हैपेंड? कहां है शौर्य? अगर शौर्य को जग्गी ने किडनैप नहीं किया तो फिर हुआ क्या? कहां गया शौर्य? अगर जग्गी ने शौर्य को नहीं उठाया तो फिर शौर्य गया कहाँ? समझ में नहीं आ रहा क्या खेल चल रहा है। हमारे भांजे के दुश्मन भी तो कम नहीं है। ओए चुप प्रसाद, जग्गी ने शौर्य को नहीं उठाया, क्या चल रहा है? तू कोई अलग गेम तो नहीं खेल रहा मेरे साथ? मैं कोई अलग गेम क्यों खेलूंगा? बल्कि मुझे तो ये डर है कि अगर कहीं शौर्य को पता चल गया कि मैं आप लोगों के साथ हूँ तो मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। भाव में क्या करियर तेरा? बात कर रहा है, जा जाके देख क्या चला, पता कर। मैं सोच रहा हूं मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड चला जाऊं। अगर जग्गी ने पुलिस को पकड़ लिया और उस गधे ने कुछ पक दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्यों डर के भाग रहे हो? इसे डर नहीं कहते, अकलमंदी कहते हैं। तो तुम्हारे 50 ग्राम के दिमाग को समझ नहीं आएगा बेवकूफ। दीदी दीदी मुझे माफ कर दीजिए दीदी, ये सब मेरी वजह से हुआ। माता रानी के आशीर्वाद के नीचे सहरा बंधाई शुरू हुई और तब मैं, आपने मुझे टोका भी लेकिन मैंने आपकी नहीं सुनी और अब देखी। दीदी मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए वैष्णो देवी और माथा टेक के माफी मांगनी चाहिए माता रानी से। आप आदेश दीजिए दीदी, मैं जाता हूँ। पुलिस आएगी अपना काम करेगी, लेकिन मुझे जाना चाहिए दीदी ना। अब आप लोग भी जाइए, आप लोग आराम कर लीजिए, ऐसे बैठकर परेशान होकर कोई फायदा नहीं। मैं जाता हूँ, मैं हाथ जोड़ के माता रानी से माफी मांगता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है वो माफ करने की। मेरे शौर्य, दी अब घर चले। शौर्य आ गया क्या? आ रहा है ना वो? बोलो ना। पीडी और दादाजी को घर छोड़ दिया है माँ, ये लिए बाकी बचा सामान भी लिया, कार में रखता हूँ। तेरे पापा और चाचू का है? वो दोनों पुलिस स्टेशन में गए। मैं और नया लिए सामान लेकर आता है, आप लोग इको लेकर आइए। ताई, दी ने कल रात से पानी भी नहीं पिया है, आप प्लीज उनको समझाओ ना। मैडम आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें स्टैंड को उतारना है, अगली पार्टी का हमें डेकोरेशन करना है। 5 मिनट और, आप तब तक उधर का सामान हटाइए। चाहिए जी मैम। प्लीज ना, मैंने शौर्य को प्रॉमिस किया था कि मैं उसको मंडप में वेट करूंगी ना, मैं कहीं नहीं जा, मैं यहीं वेट करूंगी उसका। बेटा हम सबको उसका इंतजार है, तू चिंता क्यों कर रही है? अभी हमें घर चलना। नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं बैठूंगी मंडप में। पहले हमारे फेरे होंगे, फिर मैं उसके साथ विदा होके ना उसी के घर जाऊंगी। महक होश में आ बेटा, नजर उठा के देख, सब लोग जा चुके हैं, सुबह हो गई है। शौर्य का अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो जरूर आएगा।